माई वीडियो कॉल आ रहा है, देखने पड़ेगा ये बॉस कौन है। अब ड्रिंक लो ना, ड्रिंक ये लो अभी। हाउ डेयर यू, तुम सिड के बेटे हो ही नहीं सकते। नो एटिकेट्स एट ऑल, शेम ऑन यू। आज ये सबूत करती हूँ। स्वाहा, मुझे जितना नहीं ले जाएगा। बस करो अपना झूठ। इनफ करण, इनफ। तुम अपने लिमिट क्रॉस मत करो। मैं अपनी बुआ को अपनी या किसी भी वजह से दुख पहुंचते नहीं देख सकता। नहीं देख सकता कि मेरी बुआ की कोई बेइज्जती करे, उन्हें परेशान करे। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए तो मैं जाने को तैयार हूँ। अपने ऊपर आपकी उदासी को बोझ लेकर मैं यहाँ नहीं रह पाएगा। खबरदार, जो कभी जाने की बात की तो तुझे ढूंढकर इसलिए नहीं वापस लाई थी कि फिर से तुझे खो दूं। देखो करण, गलती तो तूने जरूर की है, इसलिए अब तुझे अपनी बुआ की बात सुननी होगी, माननी पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे भतीजे के बारे में बुरा कहे। करण, तुझ में मेरे भाई का खून है और मैं जानती हूं तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन अब तुझे थोड़ा बदलना होगा। मैं तुम्हारा रहन सहन बदलना चाहती हूँ, समझे तुम? रहन सहन अक्की जिंदगी यही यही मेरा रहन सहन रहा है बुआ जी, इतनी आसानी से नहीं बदलेगा। मालूम है क्या, मेरे को उस वक्त इतना बुरा नहीं लगा था जब वो बाहर वाले लोगों ने मेरी बेइज्जती की। अब मैं कब लगा, जब मेरी वजह से आपकी आंख में आंसू है और मेरा डर है कि आंसू आते रहेंगे जब तक मैं इधर रहेगा। आपकी आंखें मेरी वजह से नम रहेंगी। बुआ, देखो साफ बात है, जिस तरीके से मैं पला बड़ा है ना, मुझसे गलत बर्दाश्त नहीं होता है। मेरी आंख के सामने कोई मेरे परिवार को बर्बाद करने वाली बात करेगा ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाई शपथ, मैं हवा टाइट कर देगा उसकी। और कहीं आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं कोई आपके साथ कोई बदतमीजी ना कर दे, ये सोच के मैं कई बार अपना गुस्सा पीने की कोशिश करता है मगर मुझसे हो नहीं पाता है। बुआ जी, बुआ जी देखो, मैं आपसे और इस परिवार से बहुत प्यार करता है और जब तक मैं इस परिवार के लायक नहीं बन जाता ना, मेरा इधर रहने का मतलब ही नहीं बनता। और मैं क्या करेगा अपना रहन सहन बदल के। ये सच है कि मैं अपने बाबा की तरह बनना चाहता है मगर मैं उनके संस्कार, उनके सोचने का तरीका अपनाना चाहता है। ये नहीं कि वो जूते कैसे पहनते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, कैसे बात करते थे, उस चीज की नकल करके मैं क्या करेगा। मैं जैसा है वैसा खुश है, इस सब की जरूरत नहीं है बुआ। नहीं नहीं करण, जरूरत है, मेरी बात मानो। देखो मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। बुआ जी मुझसे, तुम्हें मेरी कसम, बस
ड्राइवर को बोलो गाड़ी तैयार रखे, मुझे अभी 10 मिनट में जाना है। जाओ जाओ, जाना वाना सब बाद में। आपने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया, सबसे पहले नाश्ता कर लीजिए। सुबह मन नहीं था तो नहीं किया था, लेकिन अब तुम इतने प्यार से लाई हो तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अब बुआ जी, ये सत्या सुबह से दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं बाहर गया है क्या? माही, अब सत्या का वक्त बदल गया है, और जब इंसान का वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। उसके हाव भाव अंदाज बदलते हैं, और कभी कभी तो कदमों की आहट भी बदलती है। सेठ, सिद्धार्थ खुराना। करण, करणवीर खुराना। करणवीर खुराना मेरा नया नाम, नया वजूद, नई जिंदगी आज तक। एक उधार की जिंदगी जी रहा था मैं, एक ऐसी जिंदगी जिसकी हर सांस किसी ने मुझे बहुत प्यार से उधार दी थी, और इस उधार की जिंदगी का हर अंश मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने पास रखूंगा। आखिरी सांस तक। मगर आज सही मायने में करणवीर खुराना का जन्म हुआ है। और ये नया जन्म मुझे मेरी मां ने दिया है। वो मां मेरे परिवार का हिस्सा है। इस जिंदगी में मेरी बुआ है। आपने मुझे आपकी रगों में बह रहे खून के लायक बनाया, खुराना खानदान के इस नाम के लायक बनाया, अपने बाबा का बेटा कहलाने के लायक बनाया। अगर सारी जिंदगी बिना मैं आपका शुक्रिया अदा करता रहूं तो कम पड़ जाएगा। सब मत कहो बेटा। सबसे पहले आज रात के प्लान पे काम शुरू करना पड़ेगा। क्या कर रही हो? केक बना रही हूँ। हेल्प करो। ये कपड़े पहन कर। तुम्हारी हेल्प करने के लिए ये कपड़े मैं उतार भी सकता हूँ।
इश्क में तेरे दिन गुजरे मेरे, रातें भी मेरी तेरी ही बातें करें। सुन ले मेरी दुआ, धड़कनों का बयां तेरे सदके सुनो करीना, इसकी कोई इसकी लगाने दो ना प्लीज थोड़ा। अच्छा ठीक है। अच्छा हीरो, अब मैंने तो तुम्हें चॉकलेट लगा दिया, अब तुम्हारी बारी, अब तुम चॉकलेट मुझे लगाओगे। लगाओ ना मुझे चॉकलेट, मुझे भी चॉकलेट खाना है। लगाओ ना। सुनो करीना बात, प्लीज लगाओ ना वरना मैं यहाँ से ले। अच्छा ठीक है। वैसे मैंने भी एक चॉकलेट प्रिपरेशन की है। करीना इधर आओ, ट्राई। आज बहुत प्यारा रहा है, मैं कुछ तो शर्म कर। इस किचन में सिर्फ हम दोनों नहीं, कोई और भी। मामी दीदा ये खुशबू, एक मिनट। अरे वाह, अरे वाह, ये खुशबू इस केक की है और एक दूसरा फ्लेवर है जो अभी बन रहा है। अच्छा, दूसरे तो बाद में बनाती रहे ना, ये केक तो मैं खाऊंगी। दादी जी ये केक आपके लिए नहीं है, आपके लिए मैंने कुछ स्पेशल बनाया है। अच्छा, अलग फ्लेवर है। केक नहीं है? हाँ, ये केक थोड़ी ना है, ये तो बॉइल्ड वेजिटेबल्स है, स्पेशली मैंने आपके लिए बॉइल किए। आपको डायबिटीज है ना, शुगर इज पॉइजन फॉर यू दादी, आप ये केक नहीं खा सकती, इसीलिए मैंने आपके लिए बॉइल्ड वेजिटेबल्स बनाए। आप इतनी मेडिकेशन लेती हैं, शुगर आपके लिए हानिकारक है। क्यों सत्या? बहुत अच्छा केक है, ऊपर ड्राई फ्रूट है, अंदर चॉकलेट है, क्रीम है, न जाने क्या क्या है, सब लोग खा सकते हैं लेकिन आप नहीं खा सकते, बीमार है ना, डायबिटीज। अफसोस दादी जी, I'm really sorry, पर आप ये केक नहीं खा सकती। कृतिका? नहीं मम्मी जी, वैसे बच्चे तो ठीक ही कह रहे हैं, मीठा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब तू मुझे मत समझा, मेरे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं।
ये माई मुझे पसंद नहीं है लेकिन केक अच्छा बनाती है। बहुत बढ़िया, प्लान का पहला पड़ाव खत्म, दूसरा शुरू। ये क्या हो रहा है? ये सब कुछ घूम क्यों रहा है? कौन है? कौन है? हम काले भूत हैं। हम तुझे लेने आए हैं। मरने से पहले सत्य और माही को क्यों परेशान कर रही थी बता। मैं मर गई और मुझे पता भी नहीं चला। मर चुकी है तू, जन्म में है। बोल ऐसा कौन सा पाप किया है तूने जिसकी वजह से तू जन्म में है? बोल। नहीं नहीं, मैं नहीं तंग कर रही थी उन दोनों को, मैंने कुछ नहीं किया। सच सच बता वरना बड़े वाले नरक में भेजेंगे तुझे। नहीं नहीं, नहीं, नहीं मैं स्वर्ग में जाना चाहती हूँ, मैं नरक में नहीं जाना। मैं बताती हूँ ना, वो मैं ये सब ना ये सब बॉस के कहने पर कर रही थी। कौन बॉस? वो मैं नहीं बता सकती। कौन है सबके पीछे? बोल बोल वरना तुझे जन्म में ऐसी सजा देंगे कि तू आने वाले 7 जन्मों तक नहीं भूलेगी। मैं बताती हूँ, मुझे नर्क में मत भेजना। वो बॉस है ना, बॉस उसका नाम उसका नाम या बुरी वाली आंटी, आज तो मुझसे नहीं बच सकती, आज मैं तुझे बहुत मारूंगी। करीना उतरो नीचे, क्या कर रही हो तुम? अरे बुरी वाली आंटी, यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं, अरे वो मुझे ना नींद नहीं आ रही थी तो फिर मैंने देखा कि तुम और हीरो भूत भूत खेल रहे हो और ये बुरी वाली आंटी को मार रहे हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी आ जाती हूँ तुम लोग के साथ ये गेम खेलती हूँ। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये गेम खत्म हो गया क्या? हम और नहीं खेलेंगे? नहीं, गेम खत्म हो चुका है, अब तुम जाकर कमरे में सो जाओ। मेरी सुपरमैन की ड्रेस कैसी है? अच्छी है ना? अच्छी है ना? सुपरमैन नहीं, सुपर वुमन लग रही हो तुम, बहुत अच्छी लग रही हो। जाओ अब जाके कमरे में सो जा। ओके बाय बाय। सब फ्लॉप शो हो गया। एक प्लान फ्लॉप हो गया तो क्या होता है?